Hello friends, welcome to my channel Bread and Gravy. This is my first interactive video with you all. So please इसे like और subscribe कीजिए. Subscription is free, but आपके subscription करने से मेरा motivation होता है, जिससे मैं और भी नई recipes बनाने के लिए inspired होती हूँ. So इसे subscribe जरूर करें. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही refreshing salad, which is everyone's favorite because it has pasta. और साथ ही इसमें कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स भी हैं लाइक हनी, ऑलिव एंड ब्लैक पेपर. तो चलिए देखते हैं. इसके लिए सबसे पहले एक पैन में पानी बॉईल होने रख दें. अब उसमें 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon रिफाइंड ऑयल ऐड करें. जैसे ही पानी बॉईल हो उसमें पास्ता डालें. मैंने यहाँ 1 कप पास्ता ली है जो 2 servings के लिए काफ़ी है. पास्ता को पानी में 4 से 5 मिनट बॉयल होने दें. उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि चाहे आप उसे उंगली से दबाएं या नाइफ से प्रिक करें, वो आसानी से कटनी चाहिए. अभी इसे इमीडिएटली ड्रेन कर लें और कोल्ड वाटर से वॉश करें. अब एक बोल में पास्ता लें और इसमें बारीक कटी कैप्सिकम डालें. अब डालें 1/2 medium size टोमेटो, 1/2 cup कुकुम्बर, साथ में 1/2 cup बॉइल्ड कॉर्न और 4 से 5 बारीक कटी ऑलिव. अब इन सबको एक बार मिक्स कर दें. अब इसमें डालें 2 tablespoons कर्ड, जो इसमें बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा. ये देखिए, सारी वेजीज पास्ता के साथ बाइंड होने लग गई हैं और सैलेड में भी क्रीमी लुक आ गया है. अब डालें 1 teaspoon हनी. Mix it once again. Finally add salad dressing. मैंने यहाँ फ्रेंच ड्रेसिंग यूज की है. अगर आपके पास सैलेड ड्रेसिंग नहीं है तो आप मेयोनीज और विनेगर को मिक्स करके डाल सकते हैं. Finally season it with salt and black pepper. Salt डालते वक्त careful रहें क्योंकि dressing में भी salt डाली है. Once again mix everything together. Friends, your pasta salad is ready to eat. I hope मेरी ये recipe आपको पसंद आई होगी. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.